हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे इम्पैक्ट ऑफ कल्चर एंड रिलीजन्स ऑन इंटरनेशनल मार्केटिंग। संस्कृति एवं धर्मों का अंतर्राष्ट्रीय विपणन पर क्या प्रभाव पड़ता है। कोई भी घटना, कोई भी कार्य संस्कृति और धर्म से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। इसमें व्यापार और विपणन भी शामिल है। सबसे पहले हम बात करेंगे संस्कृति के प्रभाव की। तो सांस्कृतिक तत्वों का अंतर्राष्ट्रीय विपणन वातावरण में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। प्रत्येक देश की अपनी एक पृथक संस्कृति होती है। यहाँ तक कि एक ही देश में अनेक प्रकार की संस्कृतियाँ हो सकती है। संस्कृति में अनेक चीज़ों का समावेश होता है। इसके अंतर्गत भाषा, शिक्षा, धर्म एवं भौतिक वस्तुओं के प्रति दृष्टिकोण आदि का समावेश होता है। सांस्कृतिक मूल्य मजबूत एवं गहरे होते हैं। इनमें परिवर्तन एक लंबे समय के पश्चात ही होता है। भाषा की अंतर्राष्ट्रीय विपणन में महत्वपूर्ण भूमिका है। एग्जाम्पल के लिए, अंग्रेजी भाषा में व्यावसायिक एवं औद्योगिक क्रियाओं के लिए व्यापक शब्दकोश है, इसलिए इस भाषा का अंतर्राष्ट्रीय विपणन में महत्वपूर्ण स्थान है। भारत के पास बड़ी संख्या में अंग्रेजी बोलने और जानने वाले लोग हैं। इसी कारण इंडियन कंपनीज जो है वो ग्लोबल स्तर पर, इंटरनेशनल स्तर पर इनको ज़्यादा समस्याएं नहीं आती हैं। भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, डॉक्टर्स आदि की विदेशों में भारी मांग के पीछे अंग्रेजी जानने का महत्वपूर्ण स्थान है। चाइना अब इस बात को समझ रहा है एवं अंग्रेजी भाषा के बारे में अब वहाँ की सरकार का दृष्टिकोण बदल रहा है। भाषा विचारों, भावनाओं की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। विदेशी बाजारों के ग्राहकों को तभी भली प्रकार समझा जा सकता है जब उनकी भाषा की जानकारी हो। विदेशी बाजारों के ग्राहकों से प्रभावी संदेशवान, चाहे वह विज्ञापन के रूप में हो अथवा व्यक्तिगत हो। शिक्षा भी संस्कृति का महत्वपूर्ण भाग है। शिक्षा के द्वारा ही एक एससी या एक पीढ़ी अपनी सांस्कृतिक विरासत दूसरी पीढ़ी को सौंपती है। शिक्षा का विपणन में भी महत्वपूर्ण स्थान है। यदि उत्पाद विदेशी बाजार के लिए नया है एवं उस देश में शिक्षा का स्तर अच्छा है, तो विपणन कंपनी को नए उत्पादों के गुणों एवं उपयोगिता के बारे में शिक्षित करना आसान होगा। इसके विपरीत, कम शिक्षा वाले विदेशी बाजार के ग्राहकों को नए उत्पाद की अच्छाइयों के बारे में शिक्षित करना उतना ही कठिन होगा। भौतिक एवं अभौतिक संस्कृति का भी अंतर्राष्ट्रीय विपणन में गहरा प्रभाव पड़ता है। भौतिक संस्कृति से आर्थिक क्रियाओं का नियमन होता है। वे देश में भौतिकतावादी संस्कृति अर्थात अधिकाधिक विभिन्न पदार्थों के उपयोग में विश्वास करते हैं। उनका जल्दी औद्योगिकरण हो जाता है। इस कारण आर्थिक संसाधनों की दृष्टि से वे विश्व में सिरमौर बन गए हैं। धर्म और संस्कृति का केंद्र बिंदु माना गया है। विश्व में
अनेक धर्म हैं। और धार्मिक विश्वासों एवं मूल्यों से अंतर्राष्ट्रीय विपणन अप्रभावित नहीं है। इसमें विश्व के जो प्रमुख धर्म हैं उनमें हिंदू धर्म का सीधा संबंध भारत एवं नेपाल से है। विश्व की लगभग 85% हिंदू आबादी इन्हीं दो देशों में रहती है। हिंदू धर्म का उदय ईसा से लगभग 1500 वर्ष पूर्व हुआ है। यह एक सामान्य उक्ति है कि हिंदू एक धर्म नहीं है वरन एक जीवन पद्धति है। बाहर से अच्छे विचारों को आत्मसात करने की अद्भुत शक्ति इस धर्म में है। संयुक्त परिवार प्रणाली इस धर्म की एक प्रमुख विशेषता है। हिंदू प्राय शाकाहारी होते हैं। जाति प्रथा इस धर्म की एक अन्य प्रमुख विशेषता है। परंपरावादी हिंदू समाज में प्रत्येक जाति का एक विशेष पेशे अथवा धंधे से संबंध रहा है। जिस पेशे अथवा धंधे को वह कर रहा था उसी के आधार पर उसकी जाति पड़ गई। चमड़े का काम करने वाला चमार, सोने चांदी के आभूषण बनाने वाला सुनार, कपड़ा बुनने वाला बुनकर, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार हो गया। इस धर्म में गाय को बड़े आदर का स्थान दिया गया है। निर्वाण अर्थात मोक्ष प्राप्त करने को मानव जीवन का दिव्य लक्ष्य माना गया है। इसके अलावा इस्लाम धर्म, इस्लाम का प्रादुर्भाव 7वीं शताब्दी में हुआ। वर्तमान में इस धर्म को मानने वाले देशों की संख्या 56 तक पहुंच गई है। कुरान इसका धर्म ग्रंथ है। जीवन में एक बार मक्का की यात्रा जिसे हज कहा जाता है जरूरी मानी गई है। इसके अलावा नमाज, रोजे, खैरात को भी महत्वपूर्ण माना गया है। मुस्लिमों के लिए शराब एवं सूअर के मांस को खाना निषेध है। इस धर्म में महिलाओं की भूमिका प्रतिबंधित है। बच्चों एवं युवक युवतियों को प्राय औपचारिक शिक्षा की बजाय मदरसों में धार्मिक शिक्षा पर ज़्यादा जोर रहता है। क्रिश्चियन, ईसाई विश्व का अन्य महत्वपूर्ण धर्म है। इस धर्म को 2000 वर्ष अस्तित्व में आए हुए हो गए हैं। इस धर्म को मानने वाले लोग भी मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित है। पहले रोमन कैथोलिक और दूसरे प्रोटेस्टेंट। रोमन कैथोलिक जहाँ चर्च को मुक्ति का माध्यम मानते हैं तो प्रोटेस्टेंट मुक्ति को व्यक्तिगत मामला मानते हैं। ईसाईयत को मानने वाले परिश्रमी, उपलब्धियों को हासिल करने की ललक वाले अधिकाधिक उत्पादन एवं उपभोग में विश्वास रखते हैं। इसी कारण आज विश्व के संसाधनों के अधिकांश भाग पर इसी धर्म के मानने वालों का अधिकार है। शिंटो जापान का मुख्य धर्म है। इस धर्म के अनुयायियों का मानना है कि जापान का उद्भव किसी दिव्य लक्ष्य के लिए हुआ है। जापानी लोग इसी कारण अपने देश के लिए विशेष श्रद्धा रखते हैं। इस विचारधारा के प्रभाव से जापानी लोगों में आक्रामक देशभक्ति देखने को मिलती है। जापानी व्यक्ति अमेरिका में भी मेड इन जापान ही वस्तुएं खरीदेगा, भले ही उसे थोड़ी ऊंची कीमत देनी पड़े अथवा क्रय करने में कष्ट उठाना पड़े। बौद्ध धर्म, इस धर्म का उदय ईसा से 600 वर्ष पूर्व हिंदू धर्म की शाखा के रूप में हुआ था। यह धर्म कष्टों का कारण
अधिक इच्छाओं को मानता है, इसलिए इच्छाओं के दमन पर जोर देता है। इसके अनुसार कष्ट जीवन का एक सहज हिस्सा है जिससे कोई भी मुक्ति नहीं है। मध्यम मार्ग अर्थात जीवन में अतिवादी दृष्टिकोण के त्याग पर यह धर्म बल देता है। इस धर्म में साधना बहुत ही कड़ी है। इस धर्म के धर्म गुरु को लामा कहा जाता है। इम्पैक्ट ऑफ रिलीजन्स। धर्म के अनुयायियों की उपभोग संरचनाओं पर धार्मिक मान्यताओं का सीधा प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग प्राय शाकाहारी उत्पादों को पसंद करते हैं। दूध एवं डेयरी उत्पादों के प्रति उनका सकारात्मक दृष्टिकोण होता है। भारतीय आबादी का बड़ा हिस्सा शाकाहारी है। मैकडोनाल्ड्स रेस्टोरेंट श्रृंखला, जो विश्व में लगभग 3,000 रेस्तरां चला रही है, उसने इस बात की भली प्रकार से समझा कि कंपनी ने जब दिल्ली में रेस्टोरेंट खोला तो शाकाहारियों एवं मांसाहारियों के लिए अलग अलग व्यवस्था की। भारतीय जनता धर्मपरायण है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय विपणन कंपनियों को ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि हिंदू देवी देवताओं का विज्ञापनों में अपमानजनक चित्रण नहीं हो। भारत में कार्यरत एक प्रतिष्ठित विदेश कंपनी ने अपने शैम्पू के विज्ञापन में हनुमान जी को सीना चीरते हुए दिखाया एवं उनके सीने में से शैम्पू के पाउच गिर रहे थे। मुंबई उच्च न्यायालय में इसके खिलाफ वाद दायर हो गया और न्यायालय ने इसे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला माना। मुस्लिम धर्म में शराब के सेवन पर प्रतिबंध है, तो इसका लाभ शीतल पेय बनाने वाली कंपनियां उठा सकती है। कई धर्मों में धार्मिक अवकाश का दिन तय रहता है, जैसे मुस्लिम देशों में शुक्रवार एवं ईसाई देशों में रविवार धार्मिक अवकाश का दिन होता है। अंतर्राष्ट्रीय विपणन कंपनियां धार्मिक अवकाश के दिनों का अच्छा व्यावसायिक उपयोग कर सकती है, क्योंकि व्यक्ति छुट्टी के मूड में होता है एवं परिवार सहित बाहर निकलता है। आर्थिक मामलों में भी धार्मिक संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। जन भावनाओं पर धार्मिक संस्थाओं का गहरा नियंत्रण होता है, इसलिए ये चाहे तो किसी नए उत्पाद के प्रचलन में अवरोध पैदा कर सकती है एवं चाहे तो उसका अनुमोदन करके उत्पाद की शीघ्र स्वीकार्यता उत्पन्न कर सकती है। हिंदू संयुक्त परिवार प्रणाली में क्रय निर्णयों में परिवार के मुखिया की राय महत्वपूर्ण होती है। संयुक्त हिंदू परिवार के आधार पर संचालित कंपनियों में अधिशासी अधिकारी की नियुक्ति योग्यता के आधार पर नहीं होकर परिवार में उसकी वरिष्ठता के आधार पर होती है। अंतर्राष्ट्रीय विपणन कंपनी जिस देश में कार्य कर रही है, यदि वहाँ धार्मिक विभाजन है तो उसे विज्ञापन संदेशों, विपणन नीतियों एवं कार्यक्रमों को बनाने एवं क्रियान्वयन में बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। इस तरीके से इसकी जो मुख्य जो बातें थी वो लगभग आप सबको बताई गई है। इसके अलावा भी बहुत सारे कई जो है संप्रदाय और धर्म है, जैसे जैन, सिख, ये सब हिंदू धर्म से शाखाओं के रूप में एक कालांतर में अलग धर्म का रूप लेते हुए जा रहे हैं। और भी कई तरह के संप्रदाय हैं जिनकी अलग अलग मान्यताएं हैं। तो व्यवसाय में इन सब बातों का ध्यान रख करके ही व्यक्ति सफलता प्राप्त कर सकता है। धन्यवाद।